हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 15 किचन टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टिप्स नंबर एक, पनीर अगर सख्त हो गया हो तो गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर पनीर को 10 मिनट के लिए पानी में रख देने से पनीर मुलायम हो जाएगा। टिप्स नंबर दो, किचन में कॉकरोच और झिंगुर आते हैं तो बोरिक पाउडर छिड़के कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे। टिप्स नंबर तीन, बेसन या मैदा को डिब्बे में डालकर उसमें बड़ी इलायची डालने से आप मैदा और बेसन को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। टिप्स नंबर चार, सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स को काटने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, इससे यह सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें आसानी से काट सकेंगे। टिप्स नंबर पाँच, भरवा पराठे के लिए आटा गूंथते वक्त थोड़ी सी मलाई मिलाने से पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। टिप्स नंबर छह, चुटकी भर हल्दी और नमक डालकर कच्चा केला उबालने से केला काला नहीं पड़ता है। टिप्स नंबर सात, ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते वक्त उसमें 2 चम्मच दूध मिला लें, इससे ऑमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। टिप्स नंबर आठ, अगर आप चींटियों से परेशान हैं तो 1 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच नमक मिलाकर उन सभी जगहों पर छिड़क दें जहां से चींटियां निकलती हैं। टिप्स नंबर नौ, फलहारी आलू बनाते समय उसमें भुनी मूंगफली को दरदरा पीसकर मिलाने से आलू का स्वाद काफी बढ़ जाता है। टिप्स नंबर 10, 1 ग्राम सेंधा नमक व 125 ग्राम पानी को मिलाकर इसके आधा होने तक उबालें। खांसी होने पर सुबह शाम इस पानी को पीने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। टिप्स नंबर 11, तुलसी के पत्तों को पीसकर उसे चेहरे पर करीबन 10 मिनट तक लगाएं और फिर चेहरा धो दें, इससे स्किन हाइड्रेट होगी और साथ ही ये एंटी एजिंग का भी काम करेगी। नंबर 12, अगर घर में रखी कैंची ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो उसका धार बढ़ाने के लिए कैंची को नमक के डब्बे में 2 से 3 मिनट तक चलाएं। ऐसा करने से कैंची में धार बढ़ जाएगा। टिप्स नंबर 13, प्याज काटते समय अगर आंखों में जलन हो तो प्याज को काटने से पहले कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे जलन कम होगी। टिप्स नंबर 14, पुराने और काले हो चुके गैस बर्नर को सिरके के पानी में डुबोकर रात भर के लिए रखने से बर्नर नए जैसे चमकने लगेगा। टिप्स नंबर 15, 1 नींबू को आधा काट कर उसमें 4-5 लौंग लगा दीजिए, इन्हें घर के कोने में रख दे, मच्छर नहीं आएंगे। अगर किचन टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।